समसामयिक कृषि कर कार्य करके रजनी गंधा से कमाए मुनाफा विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और छह एक पे हमें फोन कर सकते हैं आप सभी से छोटी सी गुजारिश है जब भी आप हमें फोन करें अपने प्रश्न पूछें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर हमसे बात करें आइए आपका परीक्षा करवा देते हैं विषय से संबंधित विशेषज्ञों से रजनीगंधा पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृपाल सिंह जी और साथ ही सब्जियों से किस तरह पोषण आप प्राप्त कर सकते हैं और उस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत है, है। डॉक्टर कालिया भी मौजूद है।, है तो आप हमारे नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं आइए जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं और डॉक्टर कृष्णपाल जी सबसे तो पहले हम आपके पास आएंगे और आपसे ये जानेंगे की रजनीगंधा की खेती हमारे किसान क्यों करे इससे क्या इसका महत्व है और किस तरह से मुनाफा मिल सकता है इस पहली बात तो यह है इसमें लागत अन्य फूलों की फसलों की अपेक्षा काफी कम आती है जी। इसको मतलब जिन किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वो भी इसकी खेती की शुरुआत करके अधिक लाभ कमा सकते हैं दूसरी बात यह है कि इसमें इसके जो फूल हैं गर्मियों में आते हैं बाकी जो हमारे दूसरे जो व्यवसायिक पुष्प हैं वो अधिकतर सर्दियों में आते हैं तो गर्मियों में बहुत ज्यादा पुष्प नहीं होते हैं तो इसके ये फूलों के दाम हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं और काफी लाभ प्राप्त होता है बिल्कुल। उसके अलावा इसके अनेक उपयोग भी हैं जैसे कट फ्लावर करतृत पुष्प है लूज फ्लावर्स है इवन इसको हम इतरिया एसेंशियल ऑयल या कॉन्क्रीट भी इसके बेचकर काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल इसके बारे में विस्तार से जरूर आपसे जानकारी लेंगे लेकिन आइए पहले देखते हैं इस पर आधारित हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट हमारे आसपास अनगिनत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं इन वनस्पतियों की या तो हमें जानकारी नहीं होती या फिर हम इनके महत्व को नहीं जान पाते कि किस वनस्पति की खेती करके हम कमाई का नया स्रोत पैदा कर सकते हैं किस तरह आप रजनीगंधा की उन्नत खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं धार्मिक समारोह शादी समारोह माला सजावट और विभिन्न पारंपरिक रस्मों में फूलों का उपयोग किया जाता है सजावटी फूलों में रजनीगंधा का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है ऐसे में रजनीगंधा की खेती कर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं रजनीगंधा मूल रूप से मेक्सिको का पौधा है इसका नाम लैटिन भाषा में ट्यूब रोज से निकला है इसका हिंदी नाम रजनीगंधा है जिसका मतलब है सुगंधित रात रजनीगंधा के फूलों का पौराणिक रूप से बड़ा महत्व है ऐसा माना जाता है कि भारत में रजनीगंधा को यूरोप होते हुए सोलहवीं शताब्दी में लाया गया रजनीगंधा का फूल अपने मनमोहक भीनी, भीनी सुगंध अधिक समय तक ताजा रहने और दूर तक परिवहन क्षमता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है रजनीगंधा की व्यवसायिक खेती पश्चिम बंगाल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के के किसान करते हैं। रजनीगंधा फूल आकार में 30 से 75 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं तुड़ाई के बाद सात से दस दिन तक मुरझाते नहीं साथ ही अत्यधिक खुशबू के कारण इनकी पुष्प डंडियों को होटलों घरों और कार्यालयों आदि स्थानों पर गुलदस्ते के रूप में सजाया जाता है तो अभी आपने देखी हमारी एक छोटी सी खास रिपोर्ट और इसी के साथ आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डॉक्टर कालिया के पास डॉक्टर कालिया आज का हमारा जो विषय है वो यही है जड़ वाली सब्जियों से किस तरह पोषण पाया जा सकता है तो हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है क्या उपयोग है जड़ वाली सब्जियों का और हमारे किसान कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं जी आपने जैसे पोषण की बात की तो जड़ वाली सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कम से कम 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए कम से कम लेकिन ज़्यादा इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कम से कम इतनी होनी चाहिए लेकिन हमारे देश में अभी तक हमारे देहात में लोग इतनी सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं और मिश्रित सब्जियों में जब हम देखें कि इसमें कौन कौन से भाग होने चाहिए तो इसमें लगभग 100 ग्राम पत्तेदार होने चाहिए 100 ग्राम जड़ बाली होने चाहिए तथा सौ ग्राम दूसरी होनी चाहिए लेकिन ये मिश्रण हमारे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए अभी तक हमारा खान पान जो है केवल दाल और चावल और रोटी के ऊपर ही निर्भर है इसलिए हम देखते हैं कि आज हमारे देहात में या जन ज़्यादातर जा, जा, लोगों में काफ़ी बीमारियों बिम, का प्रकोप हो रहा है जैसे कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है अगर हम अपना खान पान संतुलित भोजन करें और जैसे कि मैंने बताया कि 100-100 ग्राम हम इन तीनों भागों में इन सब्जियों का मिश्रण लें तो हम काफ़ी बीमारियों से राहत पा सकते हैं तो जहाँ तक जड़ बारी सब्जियों की बात आई तो एक तो हो गया कि पोषण की बात जैसे ज्योत्न्ना जी ने कहा जो इनकी पोषण में हमारे क्या योगदान है और दूसरा ये किसान भाइयों के लिए इस इनका क्या योगदान है कैसे ये लाभ हो सकता है इन इनकी खेती करके तो दोनों के ऊपरी में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा बिल्कुल चर्चा करते हैं इसके ऊपर हम लेकिन पहले आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी खास रिपोर्ट हमारे जीवन में हरी पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों का बड़ा महत्व है जिसमें शलजम मूली गाजर अरबी आदि अति आवश्यक हैं। ये ठंडे मौसम की फसलें हैं इसलिए सभी भूमिगत होती हैं, जिनका बीज उत्पादन पहाड़ी इलाकों में ही संभव होता है जबकि मूली शलगम और गाजर की किस्मों का बीज उत्पादन उत्तर भारत के मैदानी भागों में ही किया जा सकता है जिन किस्मों की बाजार में मांग हो या जिन्हें किसान अपने लिए उगाना चाहते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए किस्म अच्छी पैदावार देने वाली हो बीज उत्पादन के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमे पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो और फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ तो उपलब्ध हो मृदा गहराई तक हल्की भुरभुरी और कठोर परतों से मुक्त होनी चाहिए जड़ वाली सब्जियों में विटामिन ए और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है साथ ही हम कुपोषण की समस्या से भी मुक्त हो सकते हैं तो अभी आपने देखी एक और छोटी सी खास रिपोर्ट आई है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शामिल करते हैं हमारे पहले कॉलर विजय जी को जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें फोन किया है हेलो हेलो विजय जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में मैडम मैं जड़ी सब्जी के बारे में पूछना चाहता हूँ मैडम जी तो बारिश के जो सब्जी होते हैं उनके लिए कोई अलग सब कोई है क्या, ऐसा पूछना चाहता हूँ मैं जो होता है जो वाले। जड़ वाली सब्जियों के बारे में आप क्या जानना चाहते है तो जहाँ ज्यादा पानी नहीं होता तो उसके लिए कैसे पोषण कैसे देंगे जहाँ पर जो बारिश का पानी बारिश के पानी में जो जड़ वाली सब्जियां टिक जाएं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं हाँ अगर पानी की सीधा नहीं है तो बिल्कुल कौन सी ऐसी जड़ वाली सब्जियां हैं जो अधिक पानी में भी सरवाइव कर जाती हैं ये जड़दप वाली सब्जियां जिनकी हम बात कर रहे हैं जो प्रमुख जड़ वाली सब्जियां हमारे देश में उगाई जाती हैं उसमें गाजर है मूली है शलजम है और चुकंदर है तो ये चारों ही सब्जियां पानी इनमें खड़ा नहीं होना चाहिए सिर्फ पर्याप्त मात्रा में ही पानी चाहिए इनकी अच्छी फसल लेने के लिए ये नहीं है आपकी खेत पानी में भरा हुआ और जैसे कि आप चावल की खेती कर सकें और वैसे नहीं हो सकती इसकी तो पानी की कमी के कारण भी फसल नहीं हो सकती और पानी ज़्यादा होने का कारण भी फसल नहीं हो सकती जी। वही हम चर्चा को आप पीस के साथ आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर कालिया और आप आप हमें हमें अभी पैकेज पर जाने से पहले आप हमें बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी है अगर वो जड़ वाली सब्जियों का चयन जी तो। इससे पहले कि मैं पोषण के बारे में विस्तार से बताऊं जैसे कि जो रिपोर्ट अभी टीवी पे दिखाई गई इसमें बताया गया कि ये ठंडे मौसम की फसलें हैं और ज्यादातर का बीज पहाड़ों में और कुछ का बीज मैदानों में भी हो सकता है तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं जो हमारी गाजर है मूली है और शलजम है इनके दो दो वर्जन होते हैं इनका ट्रॉपिकल वर्जन जिस इनको गर्मी वाली गाजरें या मूली या शलजम कहते हैं और एक शीतोषण वाली जो टेम्परेट पहाड़ों वाली है ये वर्गीकरण इसलिए है कि इनका बीज कहाँ पैदा हो सकता है जो है पहाड़ ठंडे मौसम वाली वो उनका बीज केवल पहाड़ों में ही पैदा हो सकता है और जो है गर्मी वाली उनका बीज केवल मैदानी इलाकों में ही पैदा हो सकता है ये वर्गीकरण बीज उत्पादन के कारण है जहाँ तक जड़ की जड़ उगाने की बात है तो वो पहाड़ों में भी हो सकती है और मैदानों में भी हो सकती है तो एक तो बात होगी कि किसानों के लिए ये क्लियर होना चाहिए ये कि जहाँ तक हम मार्केट के लिए खेती करते हैं जड़ें उगाते हैं तो वो कहीं भी की जा सकती हैं लेकिन बीज उत्पादन के लिए पहाड़ों में या मैदानों में जैसे जैसे वर्ग की किस्में हैं उसी के हिसाब से हो सकता है जी। तो ये तो बात होगी कि कैसे फसल का बीज उत्पादन किया जा सकता है और कहाँ कहाँ फसल उगाई जा सकती है अब आई पोषण की बात जो हम शुरू में बात करें कि पोषण ही एक मुख्य हाँ हमारा ध्येय है आज इस विषय का तो जो प्रमुख फसल जर्द सब्जियों में हम लेते हैं वो है गाजर अब गाजर में आप लोग सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों को केवल संतरी रंग की गाजरों का ही मालूम है जिनको जो हमारे पोषण के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी आँखों की ज्योति को बढ़ाती हैं क्योंकि इसमें एक प्रमुख तत्व है जिसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं जो संतरी रंग की गाजरों में या किसी और उत्पाद में भी पाया जाता है लेकिन गाजर को वैसे भी काफ़ी समय से ऐसा जा जाना जाता है कि ये हमारी आँख की ज्योति को बढ़ाने वाली फसल है और ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है तो एक तो बात होगी ये और दूसरी हमारी लाल गाजर भी है जो पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में जिसकी खेती की जाती है प्रमुख रूप से और जिनका बीज भी मैदानी क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है और उसमें भी एक प्रमुख तत्व है जिसको कहते हैं लाइकोपिन जो कि कैंसर प्रतिरोधी है और इसके अलावा इन दोनों में काफी ऐसे लवन या मिनरल जिनको बोलते हैं जैसे कैल्शियम है आयरन है फॉसफोर्स है ये भी काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इन सब का हमारे पोषण में बहुत ही योगदान है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए तथा बहुत बीमारियों से नि, निजात पाने के लिए जरूरी है जी बिल्कुल इसके साथ एक और कॉलर जितेंद्र पाटीदार जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है आइए जानते हैं उनका प्रश्न हेलो जी जितेंद्र जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछे जी हाँ पथरीली जगह है तो क्या गराड़ू की खेती हो सकती है इसका आपका वीडियो जैसे कि आपका वीडियो क्लिप भी बता है और पथरीली जगह है तो क्या मुहर्रम वाली जगह है जिसमें राजस्थान प्रतापगढ़ जिला में तो क्या गराड़ू जैसे शक्कर चुकंदर ये चीजें हो सकती है क्या मुहर्रम वाली जगह में क्योंकि काली मिट्टी कम रहती है काली मिट्टी नहीं पथरीली मुहर्रम वाली जगह रहती है जी पथरीली जगह है प्रतापगढ़ से आप बात कर रहे हैं जी तो आप जानना चाहते तो हैं कि कौन सी जड़ वाली सब्जियां वहाँ हो सकती हैं? हाँ किसान भाई जो आपका प्रश्न है इसमें पथरीली जगह में तो नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये जड़दार फसलें हैं इनमें आपको दोमट मट भुर मिट्टी चाहिए तभी जो जड़ है वो भूमि के अंदर पनपेगी और अच्छी आकार बनाएगी तो ये तो आप ध्यान रखें कि पथरीली जगह में ये फसलें नहीं हो सकती तो और जहाँ तक बाकी बात आई तो आपके पास दूसरे क्षेत्र भी होंगे जहाँ भूमि अच्छी है तथा अच्छे मिट्टी है उस जगह आप इनकी अच्छी खेती कर सकते हैं जी वहीं डॉक्टर सिंह अब आपसे हम जानना चाहेंगे रजनीगंधा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शक बहुत देर से इंतजार भी हाँ। कर रहे होंगे रजनीगंधा की खेती के बारे में अभी हमने बहुत थोड़ी सी जो जानकारी है वो हासिल किया आपसे ज्यादा जानना चाहेंगे कौन कौन सी किस्में हमारे किसान ले सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से भी क्या कोई किस्में अलग से चयनित कर सकते हैं और क्यों जरूरी है रजनीगंधा की खेती रजनीगंधा की जो किस्में उनका क्षेत्र के हिसाब से तो कोई विशेष इसमें अलग डिफरेंट नहीं? नहीं होता सभी किस्में सभी ये फसल है ये मैदानी क्षेत्रों के लिए रिकमेंडेड है वहीं उगाई जाती है इसमें इसमें लेकिन इस जो किस्में दो तरह की होती है एक सिंगल पेटल की और दूसरी डबल पेटल की जी, तो हमें ये देखना है कि हम रजना गंधाई खेती किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं चाहे हमको कट फ्लावर बेचने हैं डंडी बेचनी है या हमको लूज फ्लावर बेचने या हमको एसेंशियल ऑयल या इतर निकालना है अगर हमको लूज फ्लावर या एसेंशियल ऑयल निकालना है तो उसके लिए केवल सिंगल पेटल वैरायटीज जी हमको उगानी चाहिए ठीक है। अगर हम डंडी के लिए स्पाइक के लिए या कृतित फ्लावर के लिए उगाते हैं तो डबल की ज्यादा विशेष रिकमेंड की जाती है हालांकि सिंगल वैराइटीज भी चल जाती हैं तो डबल में हमारी दो तीन किस्में प्रमुख हैं जैसे परंपरागत किस्म है जिसको बोलते हैं पर डबल उसके अलावा कुछ किस्में भी निकाली गई हैं जैसे एक स्वासनी वैरायटी बहुत अच्छी है एक दूसरी वैरायटी वैभव बहुत अच्छी है ये दो तीन वैरायटी प्रमुख रूप से गा जाती हैं और बहुत अच्छी पैदावार देती हैं सिंगल पैटल है उसमें जो एक ट्रेडिशनल वैरायटी अभी भी चल रही है जिसको मैक्सिम सिंगल कहते हैं लेकिन इस वैरायटी में कुछ सुधार करके कुछ वैरायटीज और आई हैं जैसे श्रृंगार है प्रज्वल है अर्का निरंतर है इवन ये ये फूले रजनी है ये चार पांच वेरायटी जो है ये सिंगल पैटल में काम आती है चंदन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर बिहार से जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है हेलो हेलो चंदन कुमार जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आप अपना प्रश्न पूछिए जी जी नमस्ते मैडम जी नमस्कार अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए जी मैं रजनीगंधा के बारे में पूछना चाह रहा था मैडम जी कि हमारे जी जी हमारा बिहार में एक जगह पे रजनीगंधा हमारे गांव के बाजू में उगा वो मार्केट दूर रहने के कारण वो नई थे थी आप इसके बारे में मुझे जानकारी बताइए बिल्कुल बाजार के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं जी आप बिहार में किस जनपद से बोल रहे हैं भाई साहब जी गया डिस्ट्रिक्ट बेहरा पटना में कुछ मार्केट है जी पटना कितना दूर है वहाँ से तो वहाँ से हमारे यहाँ से लगभग समथिंग पचहत्तर से सौ किलोमीटर के दूरी पे है वो तो आप हमारा मार्केट वहीं तो? वहीं वही जाता था बाजू में हमारे गांव वाले लगाए थे तो वो फिर एक ही साल हुआ उसके बाद वो फ्लॉप कर गए और सैक्सिल नहीं हुआ नहीं आप उसको दोबारा कीजिए इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिहार में बहुत पटना में या दूसरे बड़े शहर में इसका बिक जाएगा फूल नहीं तो आप दिल्ली भी भेज सकते हैं दिल्ली पूरे भारत से जो गाजीपुर फ्लावर मार्केट है वहाँ आता वहा भेज सकते हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा मात्रा में आपको उगाना पड़ेगा तो किस तरह से बाजार का चुनाव हमारे जो किसान है वो किस तरह से करें जो रजनीगंधा की खेती करते हैं ये तो बात हुई बिहार की लेकिन बहुत से क्षेत्रों में किसान करते हैं रजनीगंधा की खेती किस तरह से बाजार उनको उपलब्ध हो पाए नहीं एक तो बाजार जो होता है ये तो बड़े शहरों में होता है या कुछ हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ खासकर ये जो खोले पुष्प हैं लूज फ्लावर वहाँ जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो वहाँ भी मार्केट काफी होता है इनका जी वहाँ भी बेच सकते हैं तो वहाँ पर भी डायरेक्ट जाके हाँ, जा, जा सकते, है है हाँ सकते हैं और हैं बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, बिल्कुल आ, वही एक और अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुखदेव जी आइए जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है हेलो 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 सुखदेव जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में प्रश्न पूछिए नमस्कार जी जी राजस्थान में कहा से बात कर रहे हैं आप श्री गंगानगर से बात करेंगे जी बिल्कुल प्रश्न पूछिए हेलो जी प्रश्न पूछिए जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारे इलाके में थोड़ी पानी पानी की बहुत कमी है और जमीन भी थोड़ी क्या है सख्त है थोड़ी सूखी जमीन है तो हमें मूली और गाजर के लिए उचित किस्में बताएं जो कम पानी में अधिक उत्पादन पा सके हैं बिल्कुल डॉक्टर कालिया ठीक प्रश्न है आपका क्योंकि आपको इच्छा है कि आप जड़दार फसलों की खेती करें तो जहाँ पानी कम है वहाँ आप लोग आपको ड्रिप इरिगेशन से ही खेती करनी चाहिए चाहे किसी फसल भी करनी हो क्योंकि उसमें कम से कम पानी लगेगा और उसके द्वारा ही जब आप जो पोषक तत्व है उनको भी देंगे तो वो भी कम लगेंगे तो आपकी जो लागत है खेती करने में वो कम आएगी और लाभ आपका ज़्यादा होगा तो जिन इलाकों में ये पानी की कमी है हम दूसरे इलाकों में भी कहते हैं जिनमें पानी है वो भी जो ड्रिप इरिगेशन है बूंद बूंद प्रणाली है उसी से खेती करें तो आप अपने इलाके के जो कृषि विभाग है वहाँ संपर्क करें तथा आपकी जो ये प्रदेश है वहाँ पे किसानों के लिए जो बूंद बूंद प्रणाली है उसको सब्सिडी भी होगी तो आप उससे लाभ उठाकर अपनी अच्छी खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं बिल्कुल और इसी के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप कहीं मत जाइए चर्चा को जारी रखेंगे बने रहिए दूरदर्शन किसान पर देखते रहिए कार्यक्रम हेलो किसान मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल किसके गिरे भाव किसने दिखाए ताव सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे और दस बजे डीडी के किसान पर बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे फोन का जड़ वाली सब्जियों से आप सकते हैं, से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री छह शून्य और छह पे हमें फोन कर सकते हैं समर्थ जी इस वक्त हमारे साथ महेंद्रगढ़ हरियाणा से फोन लाइन पर मौजूद है आइए जानते हैं उनका प्रश्न हेलो 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 जी समर्थ जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि एकड़ कितना बीज डाला चाहिए किस प्रकार से या जी प्रति एकड़ कितना बीज डाले रजनीगंधा की खेती ये ऐसा है समर्थ जी रजनी रजनीगंधा है ये इसका जो प्रवर्धन है वो वानस्पतिक तरीके से होता है जिसको कि हम बल्ब या सलकंद कहते हैं तो इसमें हमको बड़े आकार के सलकंद चुनने चाहिए एक एकड़ के लिए करीब बयालीस से पैंतालीस हजार बल्ब पर्याप्त होते हैं बिल्कुल वहीं डॉक्टर कालिया आप आपके पास वापस आना चाहेंगे और जाना चाहेंगे विशेषताएं गाजर के बारे में कौन कौन सी हमारी वैरायटीज़ हैं ऐसी जो पोषण से जो पोषक तत्वों से भरी हैं लेकिन वो जानेंगे उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हेलो 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 जी नरेश जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, में। जी नरेश जी अपना प्रश्न पूछिए प्रश्न हमारा मैडम ये है कि गाजर की खेती के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ जी तो क्या जानना चाहेंगे? हेलो क्या जानना, जानना चाहेंगे? कि गाजर की बुआई जब हम करते हैं तो मतलब कितना बीज कितनी जगह में उचित रहता है दूसरी चीज ठीक है ठीक है कितनी आप, दूरी होनी चाहिए पौधे से पौधे की हाँ ठीक, ठीक है क्योंकि आपने पहली बार खेती करनी होगी इसलिए आपको जानकारी चाहिए दूसरा ये कि आप कहाँ से आते हैं उत्तर प्रदेश, प्रदेश में, में कहाँ से बोल रहे हैं जालौन हाँ ठीक है तो गाजर एक प्रमुख फसल है और पोषक पोषण देने वाली फसल है और लाभदायक भी है क्योंकि इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और मांग भी काफी है तो जैसे कि आपने कहा तो अभी 15 सितंबर से जो प्रमुख इसका मौसम है गाजर की खेती करने के लिए वो होगा तो उसके लिए प्रमुख जो किस्में हैं एक पूसा रुधिरा नामक की नई किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निकाली है वो आप बीज वहाँ से भी ले सकते हैं या अपने इलाके में भी जो कृषि विभाग है वहाँ से संपर्क करके या फिर आपके नज़दीक कोई के वी के है तो वहाँ संपर्क करें तो इसका आपको बीज मिल जाएगा जहाँ तक बीज की मात्रा है लगभग चार से पाँच किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए काफ़ी पाया जाता है और जहाँ तक इसकी बिजाई की बात आई तो बिजाई तो आपको खेत को अच्छी तरह जुताई करके भूमि को बिल्कुल मुलायम बनाने बना लेना चाहिए और उसके पश्चात तो उसकी मेंड है क्योंकि मेंढों पर ही इसकी बिजाई होगी तो मेंड है लगभग डेढ़ फुट के फासले पर आप मेंढे बना लें जो लगभग दस से पंद्रह सेंटीमीटर ऊपर उठी होनी चाहिए और तैयारी कर, कर करने से करने के टाइम जब आप जुताई कर रहे हैं तो आप जो उर्वरक हैं लगभग 10 से 15 टन उसमें गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसका उपयोग करें अच्छी तरह मिश्रित करें और जहाँ तक दूसरी नतरजन फास्फोर्स और पोटाश की बात है लगभग 70 किलोग्राम नतरजन इसको चाहिए होती है फसल को पूरे 40 किलोग्राम फास्फोर्स और 40 किलोग्राम पोटाश तो जहाँ तक नतर्जन की बात है आधी नतरजन आपको खेत तैयार करते समय भूमि में मिलानी है और बाकी सारी की सारी मात्रा पोटाश और फास्फोर्स की और जब ये हो गया तो खेत आपने मेंढे भी बना ली उसके पश्चात आपको खरपतवारों को रोकने के लिए पेंडिमेथलिन या स्टॉम्प नामक का एक खरपतवार नासी आता है उसको आप जो है मेंढों के ऊपर छिड़काव करें लेकिन ये आप जानकारी रखें कि पहले खेत में नमी होनी चाहिए तब उसका छिड़काव करें या नमी नहीं है तो छिड़काव करने के बजाय पश्चात उसमें हल्की सिंचाई करें और उसके तीन चार दिन बाद आप बिजाई कर सकते हैं तो वो तो आपको बताया कि मेंढों के ऊपर ही बिजाई होनी है और उसके पश्चात जब फसल उग जाए तो उसकी जो पौधे हैं उनकी आपको निकासी करनी चाहिए छंटाई करनी चाहिए और लगभग दस, से दस सेंटीमीटर के फासले के ऊपर पौधे रखें बिल्कुल तो, तो, तो श्रवण कुमार जी हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं आइए जानते हैं उनका सवाल हेलो हेलो श्रवण कुमार जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए हेलो श्रवण कुमार जी स्वागत है आपका प्रश्न पूछे नमस्कार मैडम जी नमस्कार प्रश्न पूछिए अरे सर ये पूछना था कि मूली का जो है कि खेती करना था मुझे हाँ बहुत अच्छी बात है आपको मूली की खेती करनी है तो हम आपको उसकी आ, क्या जानकारी चाहिए ये तो हमें बता दें किस्मों के बारे में हम आपको बता देंगे और जैसे खेती की करने की बात है उसके बाद वो भी बता देंगे जहाँ तक किस्में की बात है सारा साल आप मूली की खेती कर सकते हैं लेकिन आपको हर मौसम के लिए विभिन्न किस्मों का चयन करना पड़ेगा जहाँ तक किस्मों की बात आई जैसे अभी भी मौसम इसका शुरू हो गया है अगस्त तो आपका निकल रहा है सितंबर से शुरू से ही आप मूलियों की बिजाई कर सकते हैं उसके लिए जो अगर सफ़ेद रंग की मूली की बिजाई करनी है उसके पहले जब मैं इसकी बात करूँ तो आपको इस फोटोग्राफ में मूलियों की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान जैसे दूसरी लाइन में देखें तो अब हमने रंगीन मूलियाँ भी निकाली हैं जो कि खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए पोषण के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं क्योंकि इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये जो कलर है कलर लाइकोपिन की वजह से होता है और एंथोसाइनिन की वजह से होता है जो बहुत ही पोषक तत्व है, है हमारे शरीर के लिए और इसके अलावा हमने इन किस्मों को इस उपयोग बनाया कि इसमें उद्योग में भी काम आए इंडस्ट्री भी इसको खरीद कर इन तत्वों को निकाल सकती है और कैप्सूल बनाकर मार्केट में बेच सकती है तो किसान भाइयों के लिए ये लाभप्रद होगी क्योंकि ये अभी नई किस्में हैं तो आने वाले समय में आप किसान भाइयों को जो इसकी खेती करने चाहेंगे उनको काफ़ी लाभ होगा और जब अब ये बात आई कि आपने खेती कब कब करनी है तो जो अभी मैंने बताया कि सितंबर महीने से आप बिजाई कर सकते हैं मूलियों की तो उसके लिए आपको एक जो सफ़ेद मूली है उसमें पूसा श्वेता नाम की हमने एक नई किस्म निकाली है और जो रंगीन मूलियाँ हैं उसमें एक पूसा जामनी है और पूसा गुलाबी है इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और एक पालम हृदय नाम की किस्म है यदि आप इन इस फोटो में फिर देखें तो नीचे ये जो तीसरे नंबर पे जो जड़ें हैं बड़े आकार की बीच में से जो लाल रंग की हैं और साइड से हरे रंग की हैं ये ऐसे इसके और ये साथ में जड़ें ऊपर बताई हैं जैसे इसकी जड़ें होंगी तो इनका आप चयन कर सकते हैं और सोच सकते हैं इनके बारे में खेती करने के लिए और जहाँ मूली की खेती के लिए आप भी आपको गाजर की तरह ही खेत की तैयारी करनी पड़ेगी और खादों के चयन के लिए इसके लिए भी 10 से 15 टन गोबर की खाद का उपयोग करना पड़ेगा और लगभग 80 किलोग्राम नतर्जन 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें भी पोटाश और फास्फोरस पूरे का पूरा खेत तैयारी करते समय आप भूमि में मिला दें और नत्रजन आधी की मात्रा खेत तैयारी करते समय और बाकी की मात्रा जैसे फसल उगती जाएगी उसके पश्चात आप उसका आधा आधा करके खेत में डालें तो आपको अच्छी फसल मिलेगी जी गजराज शर्मा जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोनलाइन पर मौजूद हैं आइए जानते हैं उनका सवाल हेलो 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 गजराज जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए

इसीलिए इसको ज़्यादातर सलाद के रूप में खाया जाता है लेकिन पकाकर भी लोग खाते हैं सलाद के रूप में खाने के लिए हम विटामिन सी की जैसे मैंने बात की तो वो हमारे शरीर के बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जो हमें सर्दी जुकाम से बचाता है और वैसे भी हमारे शरीर को मज़बूत और सुदृढ़ बनाता है और उसके अतिरिक्त इसमें लवण जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम फास्फोरस, मैंगनीज पोटाश ये भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं है। तो इन तत्वों की वजह से इसकी कीमत है वैल्यू है और जैसे कि मैंने नई किस्में आपको बताई जिनको हमें उपयुक्त किया है किन किन्हीं और प्रति कैंसर प्रतिरोधी तत्वों से तो इससे कारण इसकी और भी पोषक वैल्यू जो कीमत है वो बढ़ गई है तो जहाँ तक आपने खेती करने की बात की कि कब से कर सकते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर सफ़ेद मूलियों की आपने आपकी मार्केट में अभी डिमांड है कि बाकी तो नई मूलियाँ हैं तो उसमें पूसा श्वेता नामक की हमारी एक किस्म है और उसके अलावा आपके इलाक़े के जपनीज वाइट जापानी वाइट करके भी मिल सकती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और एक मीनो वाइट करके एक निजी संस्थानों की किस्म आती है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं

एक्चुअली आजकल जो बरसात का मौसम चल रहा है हुँ. इसमें कुछ रोग भी पौधों पर आ जाते हैं जैसे खासकर एक जो है बेसल रोड है जिसको जड़ के आसपास जो है वो वहाँ कुछ फंगस हो जाता है सफेद सा बन जाता है उखाड़ के देखो तो जो हमारे सलकंद या बल्ब में उसमें थोड़ा बदबू आती है तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी से पूरा पौधा सूख जाता है तो इसके बचाव के लिए क्या करना होगा आजकल कर पौधों में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो जाती हैं तो उसमें से कुछ पत्तियाँ किसान भाई कुछ काट सकते हैं जिससे नमी कम हो जाएगी और हवा का आदान प्रदान जो खेत हैं या मेंढों पर लगा रखा ज़्यादा होगा तो कुछ बीमारी का प्रकोप कम होगा इसके अलावा अगर ऐसे भी ये हम ठीक नहीं होता है फसल तो इसमें कुछ हमारे कवकनाशी हैं जैसे कैप्टान है उसका दो ग्राम जो कैप्टान है प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर जो प्रभावित पौधे हैं उनकी जड़ों के आसपास स्प्रे से या किसी और चीज से वहां ड्रेंचिंग कर सकते हैं तो इससे इस, इस रोग को रोकथाम कर सकते हैं जी। उसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियां भी आती हैं जैसे लीफ ब्लाइट आती है इसमें क्या होता है पत्तियों पर थोड़े थोड़े काले धब्बे पड़ जाते हैं और जो हमारे बड हैं फ्लावर के बर्ड है उन पर भी कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई मानकोजैब अथवा जिनेब जो फंजे है उसकी दो ग्राम मात्रा एक लीटर पानी में घोल फसल पर छिड़काव कर सकते हैं और इस छिड़काव को सात या दस दिन बाद दोबारा से रिपीट करना चाहिए जी इसके अलावा जो है वो जो स्पाइक है उसको सही तरह से काटें। जब जो स्पाइक है उसकी एक से दो जो जोड़े हैं या दो से चार जो पुष्पकमो खिल जाएं वो जमीन से दो तीन इंच छोड़कर ऊपर से स्पाइक को काटें जिससे पौधों को कोई नुकसान ना हो जी बिल्कुल मनोज कुमार जी पश्चिमी चंपारण बिहार से हमारे साथ फोन ऑनलाइन पर मौजूद हैं आइए लेते हैं उनका प्रश्न हेलो हेलो जी मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए हेलो जी मनोज जी अपने टेलीविजन की आवाज को पहले बंद कर दीजिए फिर अपना सवाल करिए सर कर, हम लोग गाजर की खेती करते हैं बंद कर दिया मैम जी प्रश्न पूछिए मैम हम गाजर की खेती करते हैं जी हेलो जी हम गाजर का खेती करते हैं हेलो <laughs> जी जी हम तक आपकी आवाज आ रही है आप Hello? गाजर की खेती करते हैं आगे हेलो जी मनोज जी हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है आप अपना प्रश्न खेती करते हैं गाजर का जी 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 और उसमें

गाजर की किस्में जो हमारे अलग अलग रंग की हैं जैसे कि मैंने बात की थी कि पूसा रुधिरा ये तो लाल रंग की है जो जैसे बाहर लाल रंग है वैसे ही अंदर से होगी और इसकी पैदावार भी बहुत होती है और पूरे देश में काफ़ी प्रचलित हो गई है दूसरे नंबर पे एक काले रंग की गाजर है जो पूसा आशिता नाम से है इसका भी काफ़ी प्रचलन हो रहा है ये उद्योग के लिए काफ़ी अच्छी पाई गई है और जूस के लिए भी बहुत अच्छी है और जो तीसरे नंबर पर है ये पूसा वृष्टि है जो कि गर्मियों के मौसम में उगाने के लिए है, तो अलग अलग मौसम में उगाने के लिए की वजह से हम लगभग सारा साल गाजर की खेती कर सकते हैं और चौथे नंबर पे जो है ये एक हाइब्रिड है जो संकर किस्म है पूसा वसुधा तो जो लोग बड़े दूर दराज इलाकों के लिए खेती करते हैं ले जाने के लिए उनको फसल चाहिए कि एक समय पे तैयार हो तो उसके लिए सिर्फ कंसर संकर किस्म ही प्रयोग करनी चाहिए और अंतिम में एक क्रीम कलर की जो कुल्फी रंग की किस्म है जिसको जिसका नाम भी पूसा कुल्फी है ये भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और काफ़ी अच्छी इसके जूस के लिए सलाद के लिए व इसका हलवा भी बहुत अच्छा बनता है अब आई बात की इनमें पोषक तत्वों की बात तो जो 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 लाल रंग की हैं इसमें लाइकोपिन नामक का पोषक तत्व है जिससे जो कैंसर प्रतिरोधी है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और इसमें इन सभी में लवण भी पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और उसके अलावा ये फाइबर भी इनमें बहुत होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है तो गाजर का उपयोग क्योंकि जो ये लाल और काली और क्रीम कलर की जो क्रीम कलर की है लास्ट में जिसका कुल्फी नाम दिया है इसमें ल्यूटीन नाम का एक तत्व होता है जो आंखों की ज्योति को बढ़ाता है जैसे हमने पहले संतरी रंग की गाजरों की बात की थी जिसमें बीटा कैरेटीन होता है जो रितौंधी से हमें बचाता है और इसमें मायोपिक जो आ, आंखों में ज्योति कम हो जाती है उसको ही बढ़ाने के लिए काम आता है क्योंकि इसमें ल्यूटिन नाम का तत्व है और जब जो किसानों के लिए उपयोगिता की बात आई तो होगी उपभोक्ताओं के लिए कि उनके लिए क्या क्या पोषक तत्व हैं और जो किसानों के लिए बात है जो एक तो ये सारा साल आप गाजर की खेती कर सकते हैं विभिन्न किस्में चयन करके तो किसान भाई लाभ कमा सकते हैं क्योंकि उनको अधिक आय मिलेगी बाजार में ले जाने से दूसरा ये कि इन किस्मों का को जो इंडस्ट्री है जो उद्योग है वो भी उपयोग में ला सकता है वो इन पोषक तत्वों को निकालने के लिए जैसे लाइकोपिन के और काली में एंथोसाइनन नामक बहुत ज़्यादा तत्व होता है जो हमारे हार्ट के लिए जो दिल में जो बीमारियां आती हैं उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा पाया गया तो उसको बोलते हैं कि एंटी है ये सारे ही बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर से ऑक्सीजन के रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए हाँ जी हम गाजर की खेती करना चाहते हैं मैम जी मध्य प्रदेश में कहा से बात कर रहे हैं वेरायटी कौन सी बीज कौन सा लगाए और ये समय उपलब्ध है कि नहीं अभी लगाने के लिए एक तो हमने अभी अभी आपको विभिन्न गाजरों के जो जड़ें हैं वो दिखाई अलग अलग रंग की भी दिखाई आपको कौन सी पसंद है एक तो ये आप बता सकते हैं क्योंकि मार्केट में अधिक प्रचलन लाल गाजरों का हो सकता है या संतरी गाजरों का हो सकता है तो जहाँ तक लाल गाजर की बात है वो तो जूस के लिए ज़्यादा उपयोग में आती है और जूस के अलावा वो उसका हलवा भी बनता है मिठाई में भी उपयोग होती हैं और सलाद के लिए तथा तो तो दूसरी सब्जी बनाने के लिए अचार बनाने के लिए भी काम आती हैं तो ये तो पूरे देश में काफ़ी बड़े पैमाने पे उगाई जाती है और पूसा रुधिरा नामक जो वैरायटी है पहले नंबर पे जो इस फोटो में दिखा रहे हैं हम ये बहुत ही अच्छी है और इसकी काफी ज्यादा पैदावार होती है और मांग भी बहुत बढ़ गई है तो आप इसका बीज ले सकते हैं पूसा संस्थान से संपर्क करके इसका बीज ले सकते हैं या आपके नजदीक कोई केवी के है तो उनसे संपर्क करें कि हमें पूसा पूरी नामक किस्म का बीज उपलब्ध कराएं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं बिल्कुल इसी के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक आपका हिम्मत जाइए बने रहिए है दूरदर्शन किसान पर देखते रहिए हमारा लाइफ उन कार्यक्रम हेलो किसान कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ जानिए अपने गांव का हाल देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे के और किस तरह से आप पा सकते हैं। से कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और छह एक पे हमें फोन कर सकते हैं इस वक्त सतीश वर्मा जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है आई लेते हैं उनका प्रश्न हेलो हेलो जी सतीश जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए हेलो जी, जी सतीश जी प्रश्न पूछिए हेलो मैं अरबी की खेती करना चाहता हूँ अरबी की जी जी तो उसके लिए हमको बीज का कैसे क्या चुनाव करना पड़ेगा बिल्कुल अरबी की खेती करना चाहते हैं अरबी भी एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जड़दार फसल है और इसकी खेती करने के लिए आपको बिजाई का समय मार्च से लेकर मई तक होता है तो वो तो आप अगले साल ही कर सकते हैं और जहाँ तक इसके बीज की बात है वो इसके भी कंद होते हैं जो आप के नज़दीक कोई फसल पहले उगाता हो तो उन्हीं से आपको संपर्क करके इनके कंद ले लेने चाहिए या फिर कई कई संस्थानों में अपनी अपनी किस्में निकाली हुई हैं उनसे आप संपर्क करें तो आपके लिए अच्छा तो ये रहेगा जो आपका नज़दीक के वी के है वो आपको इनके बीज की उपलब्धता के बारे में बता सकता है या बीज उपलब्ध भी करवा सकता है कि कहाँ कहाँ से आपके नज़दीक ये बीज अपेले उपलब्ध हो सकता है तो आपको इसकी खेती में करने में आ, आसानी हो सकती है क्योंकि अभी तो काफी समय है अभी तो खेती हो नहीं सकती इसकी अगले वर्ष ही होगी तो अभी से आप अगर संपर्क करें हमारे के के से जो आपके नजदीक होगा तो आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिल सकती है जी बिल्कुल सुनील सुशील कुमार जी रीवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आइए उनका प्रश्न लेते हैं हेलो हेलो जी सुशील जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में प्रश्न पूछिए जी मैं मैं मैडम नमस्ते जी जी नमस्कार सुशील प्रश्न चुकंदर और प्लस गाजर की दोनों खेती एक साथ करना चाहता हूँ नई किस्म की गाजर चाहिए अपने को और चुकंदर दोनों खेती करवाना है अपने को जी, जी। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है आप दोनों जड़दार फसलों के ऊपर खेती करना चाहते हैं क्योंकि जैसे हमने पहले से बात कर रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं इन फसलों में एक तो पोषक तत्व तो होते हैं आप खुद भी इन फसलों का उपयोग बड़े पैमाने पे, पे कर सकते हैं तथा आप लोगों के लिए भी उगा सकते हैं और उसमें क्योंकि इनमें कम से कम लागत से आप अच्छी फसल पाते हैं तो इस करके आपको लाभ अधिक होता है तो जहाँ तक गाजर की बात आई तो गाजर की तो हमने आपको किस्में बता दी कि पूसा रुधिरा अगर लाल रंग की उगाना चाहते हैं तो पूसा रुधिरा नाम की एक महत्वपूर्ण किस्म है जिसका आप बीज उपलब्ध करके आपकी खेती कर सकते हैं और यदि आप संतरी रंग की गाजर की खेती करना चाहते हैं उसकी मांग ज़्यादा हो तो उसके लिए भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कुछ किस्में हैं एक संकर किस्म भी है पूसा यमदाग्नी नामक की और एक नेंटिस दो ऐसी किस्म हैं जिनको आप खेती कर सकते हैं और इसके अलावा एक संकर किस्म है पूसा नैन ज्योति वो भी आप लेकर खेती कर सकते हैं तो ये तो होगी रंग के हिसाब से दो किस्मों की दो वर्ग की गाजरों की किस्मों की खेती करने की और चुकंदर की बात की आपने तो चुकंदर में एक क्रिमज़न ग्लोब और एक डट्रैट डार्क रेड करके दो महत्वपूर्ण किस्में हैं जो हमारे देश में जिनका भी बीज पहाड़ी क्षेत्र में ही बनाया जाता है लेकिन पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है और ये भी बहुत ही पोषण युक्त फसल है जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे लवण पाए जाते हैं और फाइबर होता है रेशा जिसको कहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है और आजकल हम इन ऐसी फसलों को ही संतुलित भोजन में सम्मिलित करने के लिए लोगों को सिफारिश करते हैं तो उसकी आप खेती कर सकते हैं और ये जो दो किस्में बताई इनका आप बीज ले सकते हैं तो आ, ये खेती आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर सिंह अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी बीमारियां जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट हैं प्रमुख रूप से जो रजनीगंधा में रखते हैं और किसान किस तरह से इन कीटों से इन बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं नियंत्रण कैसे करें रजनीगंधा में मुख्य कीट हैं एक तो है जिसको बोलते हैं बड बोरर जिसको जो कली का छेदक बोलते हैं इसका ये क्या होता है जो बंद कलियाँ होती हैं ये उनमें अंदर प्रवेश कर जाता है जिसकी वजह से ये फूल नहीं खिल पाते हैं जिससे पूरे ये फूलों की मार्केट वैल्यू खत्म कम हो जाती है उसके बाद इस पर ये एफिड भी बहुत काफी आता है तो इनके कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए किसान भाई मिथाइल पैराथियन एक रसायन आता है इसकी दो ग्राम दो मिलीलीटर मात्रा एक लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अथवा क्विनाल फोस ये भी वन एक दशमलव पांच मिलीग्राम मात्रा पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव को सात से दस दिन बाद पुनः रिपीट कर सकते हैं उसके अलावा इसमें कुछ कीटे और आते हैं जैसे कि ये रेड स्पाइडर माइट बहुत आती है ये अधिकतर ये पत्तियों के नीचे होता है वो पत्तियों के नीचे थोड़ा छोटे छोटे कीट होते हैं जिससे वो जाला सा बना लेते हैं जिससे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है पौधा बहुत कमजोर कभी कभी फूल भी आना बंद हो जाते हैं ठीक है। इसके अलावा इसमें थ्रिस्प बहुत आते हैं तो ये कुछ जो कीटें हैं कीट हैं ये बहुत ही हानिकारक हैं इनको रोकथाम करना किसान भाइयों के लिए अच्छा लाभ कमाने के लिए बहुत आवश्यक है इसके लिए किसान भाई एक तो डाइकोफिल दवा आती है उसका वन एक दशमलव पांच मिलीग्राम जो मात्रा है एक लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अथवा इथियोन ये ये दो मिलीलीटर मात्रा एक लीटर पानी के में घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं फसल इसको दोबारा भी दो या तीन बार इसको रिपीट करने के बाद कीट नियंत्रित हो जाते हैं जी वही खेत से जब रजनीगंधा के साथ निकाल लेते हैं

भाग भाग होता है इसको शल्कंत कह दें उसको निकाल कर अलग-अलग करके उसको छायादार स्थान में सुखा सुखा सकते हैं और फरवरी मार्च में पुनः इसका रोपण कर सकते हैं जी वही हमारे साथ संदीप कुमार जी इंदौर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आइए लेते हैं उनका प्रश्न हेलो हेलो जी संदीप जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए मैम रजनीगंधा के जो कंद कहां से प्राप्त कर सकते हैं रजनीगंधा के कंद जो हैं आप अपने आस पास जगह जो किसान लगा रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर जो अनुसंधान केंद्र हैं जैसे दिल्ली में एक हमारा अनुसंधान केंद्र है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप इसके ज़्यादा या कुछ किसान भी हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता ना लेकिन बाद में आप मेरे संपर्क कर सकते हैं इसको आप काफ़ी संख्या लाखों में आप प्राप्त कर सकते हैं इसका भी जो प्लांटिंग मेटीरियल है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है इसका प्रवर्धन भी आसान है दशरथ जी भी हमारे साथ उज्जैन से फोन लाइन पर मौजूद हैं आइए लेते हैं उनका भी सवाल हेलो हेलो जी दशरथ जी स्वागत है कार्यक्रम कार में आपको अपना प्रश्न पूछिए मैडम आवाज नहीं आ रही जरा हेलो हाँ बोलिए मैडम जी आप आ रही है आपको आवाज हमारी हाँ, आ रही मैडम जी प्रश्न पूछिए अपना हेलो दशरथ जी प्रश्न पूछिए अरे मध्य प्रदेश से बोल रहे उज्जैन जिले से मैडम जी प्रश्न सवाल पूछे अपना कहाँ से प्राप्त मिलेगा हाँ वैसे कीजिए मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के बाद में संपर्क कीजिए मैं आपको सही जगह बता दूँ मेरा नंबर नोट कर लीजिए डबल नाइन वन जीरो डबल वन फाइव डबल नाइन आपने मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लिया क्या एक बार अपना नंबर फिर से दोहरा डबल नाइन वन जीरो सिक्स डबल वन फाइव डबल नाइन बिल्कुल तो यहाँ पर डॉक्टर सिंह ने आपको अपना नंबर दे दिया है और अगर आप चाहें रजनीगंधा के संबंध में कोई भी जानकारी लेना अगर आपने रजनीगंधा लगाया है या अगर आप लगाना चाहते हैं इसके संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहें आप डॉक्टर सिंह को डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं वही डॉक्टर सिंह एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूंगी रजनीगंधा की खेती अभी तो हमारे किसान इस वक्त कर रहे हैं आगे आने वाले समय में जो किसान करना चाहते हैं रजनीगंधा की खेती कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही साथ खेत की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी किसानों को कैसे करनी चाहिए ये अच्छा सवाल है इसमें पहले करना है इसको उचित समय पर लगाना है जैसे जो हमारे उत्तर भारत के मैदानी भाग है यहाँ इसको फरवरी मार्च या अप्रैल तक लगाते हैं बाकी जो दक्षिण के कुछ भारत है महाराष्ट्र में इसको जून में प्लांटिंग करते हैं बाकी जो ये बेंगलोर में भी इसको अप्रैल से मई में लगाते हैं उत्तर इसको जून जुलाई में वहां लगाते हैं जी। उसके बाद भूमि का चयन करना है वहां बहुत ज्यादा पानी नहीं ठहराता जल निकास की उचित व्यवस्था हो और हल्की भूमि हो रोग मुक्त और स्वस्थ जो है प्लांटिंग का चयन करना है और सही दूरी पर और सही गहराई पर इसको पौधों को रोपना है बल्ब को जी रोपण से पहले इसको जो सलकंद इस है उनको आप किसी कीटनाशक जैसे ट्राइजोफोस है या मोनोक्रोटोफोस है उसकी दो, दो मिली लीटर मात्रा को एक पानी में घोल के हिसाब से करीब दस बारह घंटे तक सकते हैं तो उससे आने वाले जो जुड़ चुके हैं राजस्थान नागौर से आइए लेते हैं उनका सवाल हेलो 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 चंद्रवीर जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में आप अपना सवाल पूछिए मैम हम हमारे मूल्य की खेती करना चाहते हैं मूली की खेती का हाँ ठीक है, है। बढ़िया बात है आप मूली की खेती करना चाहते हैं क्योंकि मूली की खेती आप पूरे वर्ष भर वर कर सकते हैं लेकिन आपको किस्मों का चयन कैसे करना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं उससे पहले मैं ये बताता हूं कि नई मूली की कैसी किस्में हैं वो हमारे पोषण में कैसे योगदान दे सकती हैं उनके बारे में भी आप जान लें इसके एक फ़ोटो में मैं ये दिखा रहा हूँ किस्में पहले ये जान लें फिर मैं आपको दूसरी जानकारी दूँगा तो जैसे इस फोटो में आप देखते हैं कि ये जो ये पहली किस्म जामनी रंग की है और इसके नीचे जो हम इसकी जड़ें काट कर जब खाने के लिए तैयार करते हैं वो कैसी अच्छी सुंदर हैं बड़ी बड़ी हैं और इसके दूसरे नंबर पे जो है वो गुलाबी रंग की है और उसके नीचे देखो कटे हुए जो जड़ें हैं गुलाबी रंग की देखने को किन्द्र कितनी सुंदर लग रही हैं और पोषण में भी ये प्रचुर मात्रा में इसमें पोषण तत्व हैं और तीसरे नंबर पर पालम हृदय नाम की जिसकी जड़ें तो ये ऐसी हैं जिसको ऊपर से हरी हरी और नीचे से सफ़ेद जड़ें होती हैं और अंदर से कटी हुई देखें तो ये किस रंग की हैं और ये इसकी प्लेट में ये जो नीचे कटे हुए जड़े हैं ऐसे हैं तो ये देखने के लिए भी कितनी सुंदर लग रही हैं क्योंकि इनको ज़्यादातर हम सलाद के लिए प्रयोग में लाते हैं और पोषक तत्व तो जैसे कि बताया कि विटामिन सी सी से ये प्रचुर होती हैं और मूलियों में ये है कि पोटासियम बहुत मात्रा में पाया जाता है और बीपी की भी ब्लड प्रेशर की बहुत बीमारी हमारे समाज में है तो उसको कम करने में बहुत लाभप्रद है तो और दूसरी बात ये कि विटामिन सी इसमें काफ़ी होता है और जो अन्य तत्व हैं जिनसे हमने ये नई किस्में युक्त की हैं लाइकोपिन और एंथोसाइनिन जो हमारे हृदय रोगों के लिए तथा जो कैंसर प्रतिरोधी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं इसलिए हमने ये नई किस्में इजाद की हैं और जब आप अब बात आई कि आप किन किन किस्मों की कब कब खेती कर सकते हैं तो अभी जो मौसम शुरू हो रहा है सितंबर से इसमें आप जापानी सफ़ेद मीनो वाइट पूसा श्वेता और इसके अतिरिक्त जैसे ही दिसंबर जनवरी का महीना आता है तो उसमें आप पूसा हिमानी फसल ले सकते हैं कि किस्म की फसल ले सकते हैं और मार्च से लेकर अगस्त तक आप पूसा चेतकी की फसल ले सकते हैं तो सारे साल आप मूलियों की फसल ले सकते हैं अगर विभिन्न किस्मों का चयन चैन साथ ही तो। साथ पोषण से भी भरपूर, भरपूर नहीं। है। नहीं। और आप लोग यहाँ पर आए आपने इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई उसके लिए आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया तो आज आपने जाना कि जड़ वाली सब्जियों से किस तरह आप पोषण पा सकते हैं और रजनीगंधा हमारे हमारे जिन किसानों ने इस वक्त लगाया है कौन कौन से समसमायिक कार्य उसमें करने की आवश्यकता है आइए अब आपको बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा कल का विषय रहेगा केला और अनानास के बागों का प्रबंधन और सब्जियों की पौधशाला का रख रखाव विषय से कोई भी संबंधित जानकारी लेने के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें और साथ ही पता जो है पहले आप हमारा देख लें डीडी किसान कमरा नंबर केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ अब आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो नोट कर सकते हैं जो है हेलो किसान दो हजार पंद्रह एट जी मेल डॉट कॉम फेसबुक पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान विषय से संबंधित अपने प्रश्न वहां पर भी आप हमें भेज सकते हैं दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आप सभी जानते हैं एक बार आपके लिए फिर से दोहरा दें एक आठ सोमवार से शनिवार सुबह छह से रात दस बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार